हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। आज हम बहुत ही ख़ास और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आए हैं। ये जो हम तरबूज, वाटरमेलन जिसको कहते हैं, इसके छिलकों को हम फेंक देते हैं, हमने इनको फेंकना नहीं है, तो इनसे हम कुछ बनाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है कि ये जो इसका पार्ट है रेड वाला, जो हमें इसको निकाल देना है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से। ये देखिए, ऐसे ये निकाल देंगे, साथ में ये जो छिलका है ये भी उतार देंगे इसका। ये देखिए, इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है, ये वाइट पार्ट हमने रखना है। ये देखिए, हमने सारे छिलके रख लिए, ऊपर की जो ग्रीन छिल्क थी वो भी उतार लिया और जो रेड पार्ट था वो भी निकाल लिया। अब हमारे पास वाइट पार्ट बचा है, इसको हम कटिंग करेंगे। इसके हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। ये देखिए, हमने थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करना है, बिल्कुल टूटी फ्रूटी की शेप से। देखिए, हमने इतना मोटा रख के इसको काट लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी शेप में हमने काटना है इनको। इसी तरह से हम सारी कटिंग करके रख लेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ इसको प्रॉपर हमने कैसे बनाना है। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। आप ध्यान से देखें कि हम टूटी फ्रूटी कैसे बनाते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हम ये जो तरबूज है इसके छिलके की टूटी फ्रूटी घर पे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। छोटी सी वीडियो है, बहुत ही आसान है, इतनी बड़ी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये मैंने पतीला चढ़ा दिया गैस पर, अभी मैंने गैस जलाया नहीं है। इसमें हम ये सारे पीसेस डाल देंगे। ये आधा किलो के करीब हो चुके हैं हमारे, ये आधा किलो के करीब हमारे टूटी फ्रूटी के पीसेस हैं। इसमें हम डालेंगे ये 250 ग्राम शुगर। शुगर हम बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 50 ग्राम पानी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, 50 ग्राम पानी है, ये डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। अब हम गैस को चला देंगे और इसको धीमी धीमी आँच पर हम थोड़ा सा पकाएँगे। ये जो टूटी फ्रूटी है इसमें से भी पानी बहुत निकलेगा, तो इसकी चाशनी बन जाएगी बहुत अच्छी से। हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमें सुखानी पड़ेगी चाशनी, तो इसलिए हमने पानी कम ही डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे, जब तक शुगर मेल्ट नहीं होती, इसको हिलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, 5 मिनट में हमारी ये शुगर भी मेल्ट हो चुकी है। देखिए कितना आपको लग रहा होगा कि पानी हमने डाला, पानी बिल्कुल नहीं डाला हमने, वही है जो 2 टेबल स्पून पानी डाला था हमने, बाकी का पानी इसी में से निकल आया है। अब हम इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे, ताकि ये जो टूटी फ्रूटी या नरम हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे। अब हम 20 मिनट, 15-20 मिनट के बाद चेक करेंगे। बीच बीच में एक आध बार चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब हम इसको थोड़ा तेज़ आंच करके पका लेंगे, ताकि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। और ये देखिए, ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो गया, इसका मतलब कि ये पकना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, टूटी फ्रूटी हमारी नरम हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया चाशनी इसकी, हम इसको अलग अलग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास अलग अलग कलर, फूड कलर पड़े हैं। ये मेरे पास वाइन कलर है। ये देखिए, इतना सा हम डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर देंगे। जितनी भी चाशनी बची है वो हमने बाउल में निकाल दिया।
अब हम इनको ऐसे ही डिप करके कलर में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये ऑरेंज कलर है, प्रॉपर ऑरेंज नहीं है, थोड़ा येलो शेड देगा ये। ये रेड कलर, आपके पास जो भी कलर हो आप उसी से आप टूटी फ्रूटी बना सकते हैं उसी कलर की। ये ग्रीन कलर, अब हम इनको 10 मिनट के लिए ऐसे भिगो के रख देंगे कलर में। उसके 10 मिनट के बाद हम इसको हिला देंगे फिर से दोबारा, ताकि इन पे प्रॉपर कलर आ जाए। ये देखिए हमारी चारों तरफ की टूटी फ्रूटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे ही डिप करके रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि अच्छा प्रॉपर कलर आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ताकि जो भी इसकी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए नीचे। ये देखिए एक बाउल लेंगे, उसमें स्ट्रेनर रख के इसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम सभी को इसे स्ट्रेनर में निकाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए ये मेरे पास एक ट्रे है, जैसे हमारे पास घरों में होती है चाय वगैरह जिसमें हम सर्व करते हैं, उस पर मैंने ये सिल्वर फॉइल लगा लिया है। अब हम इसमें रखेंगे ये जो हमारी टूटी फ्रूटी का पानी जो था, चाशनी थी जो ड्रेन हो चुकी है, अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे इस पर। ये देखिए, और इसको ऐसे फैला देंगे। ये देखिए हमारी टूटी फ्रूटी कितनी अच्छी लग रही है। हमने ऐसे इसको अलग अलग से रख देना थोड़े थोड़े स्पेस में। अब हम इसको जाता पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए रख दें, ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, या फिर आप धूप में भी 1-2 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास चाशनी बची है, इसका हम कुछ भी शरबत वगैरह बना सकते हैं। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी हमारे काम में आ जाएगी सारी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम घर पे टूटी फ्रूटी बना सकते हैं, और ये कितनी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। जैसे कि कोई भी हमने डेजर्ट में हम डाल सकते हैं, जैसे कि हलवे में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, जहाँ हम कोई कस्टर्ड वगैरह बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ये मैंने पहले बना रखी थी, ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे जित भी चाहे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब तक चाहे इसको रख सकते हैं। आप टूटी फ्रूटी को आइसक्रीम में डाल सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो टूटी फ्रूटी डाल के हम अगर बर्फ़ी बनाएं, तो उसका जो टेस्ट है इतना लाजवाब आता है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो आपको टूटी फ्रूटी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँ। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। बनाएं आप, वेस्ट ना करें, जो भी आप तरबूज का जो छिलका है उसको वेस्ट ना करें, उसकी आप ऐसे ड्राई फ्रूट बना के रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।